हेलो स्टूडेंट, आपके सामने आज हम लेकर आए हैं हिंदी ग्रामर का बहुत ही अच्छा वीडियो, जो कि आपको आपके लाइफ में कभी नहीं मिला होगा ऐसा वीडियो हिंदी ग्रामर का, और वो भी वर्णमाला। वर्ण विचार हमने स्टार्ट किया। वर्ण विचार में ये आज आपका पांचवा पार्ट है, ये आपका आज पांचवा पार्ट है। और इसके पहले मैं चार पार्ट बना चुका हूँ, जिसमें मैंने लैंग्वेज को समझाया, भाषा का, भाषा के बाद मैंने वर्णमाला का आपको स्वर सिखाया है। स्वर में मैंने समझाया, स्वर को एकदम बेसिक सिखाया, कितने टाइप के स्वर होते हैं और स्वर में कौन कौन से उष्ण स्वर, ताल स्वर, कंठ स्वर, जो भी स्वर हैं, स्वर के टाइप्स को बताया और सभी को अलग अलग यूज बताया। स्वर के बाद हमने अयोग वाह को बताया, जिसमें आप अनुनासिक सुने होंगे, विसर्ग सुने होंगे, या आप अनुस्वार सुने होंगे। ये सारे आपको हमने उन चार पार्ट में दे दिया है। और आज हम समझाने वाले हैं व्यंजन को। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको व्यंजन बोलते हैं। मतलब कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन किसको कहते हैं, ये चीज हमें बताना है। व्यंजन क्या होता है, जब हिंदी भाषा में अगर हम मतलब जब कोई भी वर्ड बोलने लगते हैं तो क्या होता है कि समय जो है, समय के साथ साथ देखते हैं तो वो जो आपके मुंह से जो हवा निकलती है वो रुकावट के साथ निकलती है। वर्ड जब बोलते हैं, वर्ड जो है बोलते हैं तो वो हवा के साथ, यहाँ पर मैंने लिखा है बोलने पर हवा रुकावट के साथ मुख से निकली। मतलब व्यंजन जो होता है वो हवा जो आपके मुंह से निकलेगी तो वो रुक करके निकलेगी। जैसे आप बोलते हैं ई उ, तो ये देखिए इसमें कोई रुकावट नहीं आई, लेकिन अगर आप बोलेंगे क का, ऐसा लगता है जैसे दो बार मतलब का ख, हाँ मतलब हाँ गा, मतलब एक बार अंदर बाहर कुछ ऐसे लगे, मतलब इसे रुक करके हवा निकलेगी ना। तो इस तरीके से जब रुक करके बाहर आवाज निकल रही है आपकी, हवा को, हवा रुकावट में निकले तो वो को व्यंजन होगा। और दूसरा स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। स्वर की सहायता बिना लिए आप व्यंजन को नहीं निकाल सकते हैं। ये चीज आप समझ लेना कि बिना स्वर के आपका व्यंजन नहीं निकलता है। यानी कि जैसे कि लिखा जाए तो आपका, जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया आपका ना, क्या हो गया ना, ना आखिर अगर आप ना बोल रहे हैं, ना क्या है, एक व्यंजन है। लेकिन मैंने बोला कि इसको बोलेंगे तो ना, देखिए दो बार इसमें लगेगा, इसे ब्रेक लगेगा तो दो। अब इसे उ बोलते हैं, उ ए ए ओ, एक बार में बोलता है स्वर, क्या है, एक बार में बोलता है। लेकिन व्यंजन जो है एक बार में उसमें रुक करके हवा आपके मुख से निकलेगी, और कई टाइप के भेंगे वो तो अभी बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा ना को अगर देखते हैं तो ये ना हलंत के साथ, इसके साथ आपका आ मिला हुआ है, मतलब सभी जिस पर मात्रा ना ही लगा है इसका मतलब उस पर छोटा आ की मात्रा लगता है, उस पर क्या लगा होता है, छोटा आ की मात्रा लगाता है। तो इस तरीके से ना जो है हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। और इसी तरीके से अगर आप ला देखेंगे तो ला भी आपका इस तरीके से आधा लगा करके आपका छोटा आ रहेगा, इसमें भी ला में भी आपका ये हलंत लगा कर ला मतलब छोटा आ रहेगा। मतलब बिना किसी भी स्वर के सहारे आपका व्यंजन नहीं निकल सकता है। तो आप समझ गए कि स्वर हमें पढ़ना पड़ेगा तभी हम व्यंजन जान पाएंगे। तो आप मुख से भी निकालेंगे तो स्वर तो अपने आप निकल जाता है, बट व्यंजन निकालना हो तो स्वर का सहायता लेना पड़ता है। तो समझ में आई बात सीधा कि व्यंजन क्या है, जब हमें वर्ड को बोलने के लिए हवा को रुक करके रुकावट के साथ बाहर निकालना पड़े और स्वर का सहायता लेना पड़े तो समझ लो आप व्यंजन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं। और व्यंजन में कौन कौन सा चीजें, व्यंजन में आपके व्यंजन के बहुत रूप हैं। ये व्यंजन के क्या हो जाते हैं, ये व्यंजन के रूप हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं व्यंजन के कौन कौन से रूप हैं। तो व्यंजन ये है आपका एक, इसमें आपका अगर का ख इसे लिखते हैं ना तो इसमें देखिए ये कुछ इस तरीके से है। अगर आप और बेसिक से सीखना चाहते हैं पिछला वीडियो जरूर ग्रामर देख ली, और पूरा हिंदी हम खत्म करेंगे। अगर जिसको भी यहाँ पर हमारे चैनल पर स्टे रहना है, अच्छे से हिंदी सीखना है, चाहे जिस सब्जेक्ट में आएगी हिंदी, ग्रामर को हम बेसिक से ले जाकर के आपको वहाँ जो बोलते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक और जो भी चीजें हैं लोकोक्ति मुहावरे विलोम शब्द पर्यायवाची, मतलब हम ए टू जेड लास्ट तक खत्म करेंगे। अगर आप स्टे रहना है तो जरूर इसको शेयर करिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे। देखिए ये आपका क्या है रूप, रूप में आपको मतलब कितने टाइप के आपके ये व्यंजन जो है इसमें कौन कौन से व्यंजन हैं, तो इसमें देखते हैं वर्ग में मार दिया जाता है। ये जो क ख ग लिखते हैं तो ये वर्ग में, जैसे क ख ग ये ग सुने होंगे तो ये आप पांच 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 की लाइन आपका यहाँ तक पा तक ये पांच वर्ग हो जाता है। एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग, पांच वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, ये सभी वर्ग है। अब वर्ग का नाम जो बोला जाता है इसको क वर्ग बोला जाता है, मतलब पहला वाला अक्षर जो होता है वही नाम से उसको वर्ग हो जाता है। तो इस नाम से इसका वर्ग धर देते हैं नाम। लेकिन यहाँ पर एक बात और जानने वाली है, ये पांच वर्ग है, कुल मिलाकर कितने वर्ग हैं, ये पांच वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, पांच वर्ग है ये।
तो पांच वर्ग में आपका ये आपका पहला वर्ग, ये आपका दूसरा वर्ग, ये आपका तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग। तो पांचों वर्ग में पांच पांच वर्ण आ रहे हैं और पांचों वर्ग मतलब पांचों वर्ग में देखते हैं तो सभी अलग अलग हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन इन पांचों को पांच वर्ग को मिलाकर बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अभी आपको ये भी एक कंफ्यूजन होती है, जब कभी भी आपका ये आपका हिस्सा अगर आ जाता है कहीं पर पहले आधा के रूप में, तो कहीं पर ई बोला जाता है तो कहीं पर आ बोला जाता है। ये भी कंफ्यूजन हम आपका खत्म करेंगे, एक ऐसी वीडियो डालेंगे जिसपे आपको पता चलेगा कहाँ पर हमें सा बोलना है, आधा सा बोलना है, आ लगाकर कहाँ बोलना है, ई लगाकर, वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये उसको बोलते हैं स्पर्श, क्या बोलते हैं? स्पर्श मतलब आ बोलते हैं इसमें, और आप स्कूल में देखते हैं उसको ई बोलते हैं, स्कूल। तो इस तरीके से, और ये लैंग्वेजेज होती है आपस में बोलने का अपना अपना एक एरिया बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका स्पर्श व्यंजन हो जाता है ये पूरा पूरा पांच वर्ग में। तो पांच वर्ग में कितने हुआ? पांच 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 पचे पच्चीस हो जाता है, मतलब 25 वर्ण हो जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हो जाते हैं? ये पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आखिर क्या है? स्पर्श व्यंजन आपको जीभ और मुख लगा करके जब बोलना पड़े, जीभ का इस्तेमाल करके, ये जीभ का इस्तेमाल करें और मुख का पूरा इस्तेमाल करें तो हमारा हो जाता है स्पर्श व्यंजन। मतलब जीभ का सहारा लेंगे तो, और मुख से तो आज निकलेगी ही, तो ये हो जाता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के साथ साथ दो व्यंजन और आपके इसी स्पर्श व्यंजन के कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन इसका नाम आगत ध्वनि हो जाता है। ये ध्वनि जो है हमारे स्पर्श व्यंजन में कैटेगरी में जुड़े, यही आपका एक ड़ा हो जाता है, एक आपका ढ हो जाता है, एक आपका ड़ा हो जाता है, एक आपका ढ हो जाता है। तो ढ ये दोनों आगत ध्वनि है और इनको हम आगत ध्वनि क्या करें, वो अतिरिक्त व्यंजन है, अतिरिक्त व्यंजन है, और इनको हम दोनों को ले जाकर कहाँ पर रख देते हैं? इनको हम ले जाकर के स्पर्श व्यंजन रख देते हैं। सॉरी आगत ध्वनि पे गलती से मैंने बोल दिया जल्दबाजी में, तो मेरा ये कौन सा अतिरिक्त ध्वनि है, क्योंकि ये अतिरिक्त व्यंजन है, मतलब हमारा अतिरिक्त मिलता है, ये आपको काखा गाघा में आपको नहीं मिलते हैं। तो अतिरिक्त प्रकार से आपको अड़ा और ढा लिखा जाता है, तो अतिरिक्त व्यंजन को जोड़ करके स्पर्श व्यंजन का पूरा संख्या हो जाता है 27, मतलब 27। मेनली मेन 25 व्यंजन आपका स्पर्श व्यंजन होता है, दो आपका अतिरिक्त व्यंजन आ जाता है, तो मिलाकर 27 व्यंजन आपका हो जाता है स्पर्श की कैटेगरी में। जो किस सहारे से बोला जाता है? कंठ तालु और मूर्धा, कंठ तालु और मूर्धा के सहारे से बोला जाता है, ठीक है, कंठ तालु और मूर्धा के सहारे से बोला जाता है। जब हम कंठ का सहारा लें, ताल का सहारा लें और मूर्धा का सहारा लें, इन सबको हम बोलेंगे तो स्पर्श व्यंजन। अब आ जाता है ये सब दो लाइन और बच रही है, दो लाइन और बच रहा है, या रा ला वा सा सा सा, ये वाले आपके, तो ये आपका ये कौन से हैं? तो पहली लाइन जो या रा ला वा दिख रहा है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। कौन सा व्यंजन हो जाता है? अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। ये चार होते हैं और ये भी चार हो जाता है, जिसको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है वायु का रोध, मतलब वायु को कुछ रोक करके बोला जाए, जैसे देखिए, मतलब उसमें वायु के सहारे बोले, जैसे या रा ला वा, इस तरीके से देखिए, इसमें वाई को रोक करके उसको अपने हिसाब से अप्लाई करके बोला जाता है वाई को, तो या रा ला वा ऐसे बोला है ना, तो ये आपका बोला जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन। वाई के अवरोध को हम रोक करके समझ करके उसके आधार पर बोलते हैं। और जो ये आपका यहाँ पर देख रहे हैं आपका सा सा और शा, ये साहब को कैसे बोलना पड़ता है? ये गर्म श्वास रगड़ के साथ, आपकी जो सांस है वो गर्म निकलेगी, गर्माहट के साथ निकलेगी और कुछ रगड़ के निकलेगी, तो इसको बोलेंगे देखिए सा शा खा। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो तीनों और आपका ये हा, तो किस तरीके से निकल रहा है? गर्म हवा। इसमें अगर देखें तो इन अक्षरों में वैसे भी पता चल जाएगा, अगर आप इसको ऐसे कागज ले लेना, ऐसे कागज ले लें तो आपको पता चल जाएगा इसमें गर्माहट निकलेगी। मतलब कागज क्या, कोई किसी को हाथ, अपना हाथ लगा ले, हा 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 हा, तो ऐसे हवा के साथ गर्माहट निकलेगी और रगड़ के साथ निकलेगी, तो ये हो जाता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इसीलिए कहते हैं, इसमें ऊष्मा निकलती है, गर्माहट निकलती है, इसे ऊष्म व्यंजन। तो शायद समझ गए, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन अंदर से निकलता है, जो कि वाय को और उसको रोकर, या रा ला, अंतस्थ व्यंजन इस तरीके। तो तीन व्यंजन पर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एंड ऊष्म व्यंजन। तो सारे व्यंजन को आपने यहाँ पर समझ लिया है। अब ये अतिरिक्त व्यंजन जो आपका अड़ा आता है,
ढा का है, इसको अतिरिक्त, क्योंकि ये कैटेगरीज बाहर है। अब बचता है हा के बाद आपका छ त्र ज्ञा, छ त्र ज्ञा। अब तीनों को अगर हम देखते हैं तो आपको तीनों कौन सा व्यंजन आपका हो जाता है, शायद आपको पता होगा ये आपका हो जाता है कौन सा व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन हो जाता है, आप सुने होंगे, सॉरी करें संयुक्त व्यंजन हो जाता है। तो संयुक्त व्यंजन को हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, तो संयुक्त व्यंजन हमारा वो होता है जब हम मतलब अलग अलग व्यंजन को, कोई दो अलग अलग व्यंजन हो उनको जोड़ करके संयुक्त करके कोई ध्वनि निकाले तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कहिए छा, ये क्या है छा 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 छा, ठीक, देखिए छा इसमें आधा का आएगा, ध्यान दीजिएगा आधा का आएगा, फिर उसमें उसके बाद आधा सा आएगा, फिर उसमें आप इसको समझ रहे कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा, मैंने बोला कि आ सभी कैरेक्टर में आना है, मतलब सभी वर्ण में आना है आ, तो ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जा रहा है, ठीक। छा आपका कौन सा व्यंजन हो जा रहा है, संयुक्त व्यंजन में आ जा रहा है। और इसके बाद आपका कौन सा व्यंजन बच रहा है जो मिलकर के, मतलब मैंने तीन बताया, इसके बाद जो तीन बचते हैं वो आपका हो जाता है, देखिए आपका एक हो जाता है छह के बाद त्र, त्र में क्या आता है आप देखेंगे इसमें आधा ता आता है, क्या आता है आपका आधा ता, फिर आपका क्या आता है आधा रा, फिर उसके बाद क्या आता है और आ। एक बात आपको हमेशा मतलब समझ में अभी आज तक कम आया होगा, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जैसे आप देखे होंगे ये आपका अक्षर आता है परा, तो आपको ये क्या समझ में आता है इसमें पाधा है कि राधा है, आप बताइए, अगर आप नहीं पढ़े होंगे ठीक से तो नहीं बता पाएंगे, बाकी बता सकते हैं, ऐसा कठिन नहीं। तो इसमें आप बोलते हैं कि पा लिखिए और आधार रा लिखिए, मतलब आधार रा, बट यहाँ पर आधार रा नहीं है, प्रा, वो देखिए प्रा प्रा, मतलब यहाँ पर आपका पा क्या है, ये आधा है, इस पर पाधा है, और ये रा अपने आप में पूरा है, ये रा अपने आप में पूरा है, बट यहाँ पर आ के लिए ये भी आधा है, ठीक है। और तो यहाँ पर रा पूरा माना जा रहा है, आधा है रा नहीं। तो ये चीजें आपको समझने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा, बाकी यहाँ पर आप समझ रहे हैं तरा का हो गया। तरा के बाद आपका किसका आता है, ज्ञा का आपका आता है, किसका, ज्ञा का। तो ज्ञा का आपका कौन सा हो जाता है, ये आप सुन रहे हो वैसे भी, देखिए ज्ञा क्या होता है, ज्ञा क्या हो जाता है, ज्ञा। तो ज्ञा कैसे बोलते हैं, देखिए अभी आपको दिक्कत हुई होगी इसमें ज्ञा में क्या होता है, आपको इसमें होता है ज्यादा प्लस याधा और आधा, वाओ गजब का, गजब का, ठीक गजब का, समझ में आया। आज तक नहीं सुनूंगी कि आपका ज्ञा कैसे बोला जाता है, क्या ज्ञा मतलब ज्ञा, ज्ञान जिसको बोलते ज्ञान, तो ज्ञा उसमें बोला जाता है, उसमें आधा आपका ज्ञा रहता है और इया पूरा था, ज्ञा बोलते ना, इया ज्ञा, तो ज्ञा तो ज्ञा तो ज्ञान क्या होता है, ज्ञान ज्ञान, तो ज्ञान हो गया आपका। यहाँ पर सभी के अगर एग्जांपल हम देख बोलना चाहें तो यहाँ पर आपका छा से क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका क्षमा हो जाता है, और त्र से तो आप समझते हैं कि आपका त्र से क्या होता है, त्रास हो जाता है, बोलते हैं त्रास भी हो गया, त्रास हो गया, बहुत सारी चीजें आती हैं, त्रिशूल आ जाता है। उसके बाद आपका इस ज्ञा से आपका क्या आता है, ज्ञान या ज्ञानी जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला संयुक्त अक्षर कौन सा आता है, एक बार मूव करिए अपने दिमाग को, मतलब देखिए सोचिए कौन सा आपका एक अक्षर और बच रहा है, आपका कौन सा अक्षर है, सोचिए कौन सा अक्षर है, स्रा ये है, देखिए ये भी आपको कहीं पर मिला नहीं होगा, श्रा ये। अब बोलेंगे सर ये भी होता है, हाँ ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है, और इसमें कौन सा आता है, आप हर आप देखेंगे ये आपका सा है आधा, प्लस आपका रा भी आधा माना जाएगा क्योंकि इस पर आ जुड़ा हुआ है, ठीक। मतलब यहाँ पर तीन तीन वर्ण मिलाकर के आपका एक एक अक्षर बना है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ण मिल जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और इसके आधार पर आपका जो एग्जाम्पल बनता है वो बन जाता है आपका श्रम, क्या बन जाता है, श्रम, ठीक।
तो यहाँ पर पूरा पूरा हमने एकदम अच्छी तरीके से आपको बता दिया क्या क्या चीजें हैं, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अगर जहां पर भी आपको दिक्कत हो रही हो तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है, क्योंकि देखिए वैसे इसमें कोई चीज बच नहीं। मैंने अगर मैं यहाँ पर पूरा मैं लिखूं तो ये बहुत बड़ा एक चैप्टर हो जाता है। इसका अगर आप पीडीएफ देखा जाए ना तो पीडीएफ इसका मिल जाएगा, मैं इसको पीडीएफ दूंगा, लेकिन अभी नहीं। जैसे ही मेरा पूरा ये बैच पूरा हो जाता है तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा पूरा का पूरा एकदम, मतलब आपको प्रिंट आउट में आप निकलवा सकते हैं पूरा पूरा इसका डिटेल में, कैसे कैसे इसका हमारा डिफिनेशन मतलब परिभाषा होगी, कैसे एग्जाम्पल्स के साथ कैसे इसका संयुक्त व्यंजन का क्या एग्जाम मतलब क्या परिभाषा होगी, और आपका इस तरीके से इस स्वर व्यंजन का क्या आपका परिभाषा होगी, ठस्व व्यंजन का, उष्ण व्यंजन का, सभी का परिभाषा हमने आपको वैसे बताया कैसे, लेकिन आपको लिखे रूप में। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप हमारे चैनल को आप प्रोग्रेस कराएंगे, उतना ज्यादा हम कोशिश करेंगे इसका पीडीएफ भी दे देंगे, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आपको एक अच्छा हम भी चीजें लेकर के आए ताकि आपको डिजिटल चीजें सिखाएं, और आपका सपोर्ट रहे तो आप जरूर हमारे वीडियोज को शेयर करिए हर एक जगह, ताकि और यहाँ पर बताइए कि इंग्लिश एकदम बेसिक सिखाई जाती है, हिंदी एकदम बेसिक सिखाई जाती है, और मैथ्स एकदम बेसिक सिखाई जाती है, जो आपको कहीं पर नहीं सिखाया जाएगा वो चीजें यहाँ पर हम बताते हैं। कमजोर बच्चों के लिए एकदम रामबाण है, आप यहाँ पर रुक कर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया ये चीजें, और इस तरीके से अब अगले हम वीडियोज में जो बताएंगे वो लगभग आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। द्वितीय व्यंजन आपको क्या होता है, द्वितीय व्यंजन भी बता देते हैं, इसी में बता देते हैं क्या। द्वितीय व्यंजन, ठीक, द्वितीय व्यंजन जिसको बोलते हैं सेकंड कॉन्सोनेंट। द्वितीय व्यंजन क्या होता है, जब आपका एक ही मतलब आपका एक ही व्यंजन हो, एक ही व्यंजन की ध्वनि जो हो उस मतलब एक ही व्यंजन की ध्वनि क्या होती, सेम वही होगी, ऐसा तो है नहीं। एक ही व्यंजन की ध्वनि समान समान अन्य ध्वनि से जुड़ जाए, वही ध्वनि जो है अन्य ध्वनि से जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं द्वैत व्यंजन। उसको क्या बोलते हैं, द्वैत व्यंजन, इसी को हम द्वैत व्यंजन भी बोलते हैं। इसको हम दोबारा दूसरा नाम हमारा क्या होता है, वो आपका हो जाता है द्वैत व्यंजन। सॉरी कॉल आ गया था। तो यहाँ पर हमारा द्वित व्यंजन मैंने बोला कि वही जो आपकी ध्वनि है वही ध्वनि आपका मतलब दो बार आ रहा है, और साथ ही साथ वो ध्वनि किसी दूसरे ध्वनि के साथ, किसी अन्य ध्वनि के साथ आपका वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है अपने समान अन्य ध्वनि के साथ। एक ध्वनि ऐसी है वही समान ध्वनि किसी मतलब किस वही समान ध्वनि किसी अन्य ध्वनि से, वही उस अपने समान की मतलब अपने समान, अगर का है तो का की अपने समान ध्वनि निकालना तो का ही आना चाहिए, समान ध्वनि का मतलब हुआ वही ध्वनि जो, तो किसी अन्य ध्वनि मतलब अपने ध्वनि के समान किसी अन्य ध्वनि पर, अपने ध्वनि के समान, ठीक है। एक व्यंजन की ध्वनि जो हो अपने ध्वनि अपने समान की ध्वनि के साथ जुड़ना, बात समझ में आई। जैसे देखिए मैं यहां पर लिखता हूं तब समझ में आ जाएगी, वही ध्वनि अपने समान ध्वनि के साथ जुड़ना, अपने ध्वनि के साथ जुड़ना, ठीक है। मैं मानता हूं कैसे इसको आपको समझ में आएगा, जैसे देखिए आपका यहां पर क्या है का, अब का है तो का आना चाहिए तभी तो इसका, अगर आपका का आ रहा है तो का ही आएगा तभी तो उसकी ध्वनि ऐसी होगी। तो बात यही हुई जिसको बोलते हैं डबल अक्षर आपका, मतलब डबल वर्ड आ जा रहा था, जो आ जाता है वही हो जाता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर आपका आ जाएगा जैसे पा है और एक दो बार आ गया पक्का बच्चा लज्जा, ये शब्द देख रहे हैं ना इसमें, देखिए अब ये ध्वनि जो है इसी के समान ध्वनि एक और है उसी के साथ जुड़ रहा है। तो जब समान मतलब वही ध्वनि अपने समान के ध्वनि के साथ जुड़े तो वही हो जाता है द्वैत व्यंजन यानी द्वितीय व्यंजन सेकंड कॉन्सोनेंट। सेकंड मतलब समझ आ रहा है दोबारा वाला व्यंजन जो आ जाता है, ठीक है। द्वित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में आपको क्या फर्क है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। द्वित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में आपको क्या, ये संयुक्त व्यंजन आपका नहीं हो सकता क्योंकि संयुक्त व्यंजन में किसी भी प्रकार के अन्य वर्ण आते हैं, किसी प्रकार के अन्य वर्ण आते हैं
तब वो मिलता है, लेकिन द्वित व्यंजन में अपने ही समान के ध्वनि वाले ही वर्ण मिलते हैं, यही एक इसमें से डिफरेंस होता है, इसलिए मैं संयुक्त व्यंजन द्वितीय व्यंजन को यहाँ पर मैंने लिखा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अच्छा लगे तो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, और यहाँ पर सारी चीजें बेसिक मिलते हैं। देखिए इसमें जो भी बच्चों को दिक्कत हो रही है उसको अभी इसको डिटेल में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी यहाँ पर तो आपको वर्ग हमने समझाया, वर्ग अब इसमें आ जाता है कौन सा। देखिए अभी आपने इसमें व्यंजन पढ़ा कि आपका स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और उष्ण व्यंजन है, तीन टाइप के व्यंजन आपने पढ़ा अतिरिक्त व्यंजन के साथ साथ, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी पढ़ेंगे कौन सा आपका कंठस्थ व्यंजन है, कौन तालु कौन है, कौन तालु है कौन ओष्ठ है, ये भी अभी बताना पड़ेगा, इसके भी कैटेगराइज जो होंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जरूर उसको भी आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब वीडियो को देखना हो चैनल पर रुक जाना, और मेरा सेकंड चैनल है उसको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक हैं, आप एक बार जरूर विजिट करिएगा। जय हिंद, बाय।